हाय एवरीवन, मैं हूँ लवली। आपका बहुत स्वागत है मेरी चैनल लवली किचन में। आज मैं आपको आलू और लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको कई जगहों पे बरबट्टी और बोरो भी कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आलू और लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। बरबट्टी और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने इसको 250 ग्राम लिया है। इसको लॉन्ग बीन्स भी कहा जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्याज बारीक कटा हुआ, मैंने दो प्याज लिया है यहाँ पे, हरी मिर्च, लहसुन इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, आलू, आलू को मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया है, टमाटर इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है, और सरसों के तेल में हम इसे बनाएंगे, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी, ज़ीरा, राई मैंने एक एक चम्मच लिया है, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, हींग और गरम मसाला, और गार्निश के लिए हमें धनिया चाहिए। तो चलिए हम बरबट्टी को इसके साइड साइड को हम कट करके हम इसे इतने साइज़ के टुकड़ों में कट कर लेंगे। इसके रेशे को मैंने पहले निकाल लिया था और ये एकदम फ्रेश लॉन्ग बीन्स है इसलिए इसमें रेशा ज़्यादा नहीं निकल रहा है। इसको मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। तो चलिए हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। कढ़ाई मैंने पहले से ही गरम करके रखा है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैंने दो चम्मच इसमें तेल डाला है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें ज़ीरा और सरसों डाल देंगे। जब ये थोड़ा क्रैक हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्च, लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो मैंने एक चम्मच नमक लिया है। ताकि प्याज अच्छे से जल्दी फ्राई हो जाए। तो इसको जब तक ये रेड ना हो जाए प्याज तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हींग डाल देते हैं। हल्दी छोटे चम्मच से एक चम्मच लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देते हैं।
टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको भूनेंगे। टमाटर देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर और सब्जी मसाला और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए ये अच्छे से भून के ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। और इसको हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। इसके बाद अब हम इसमें बरबट्टी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। आप चाहे तो इसे सूखा भी बना सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा ग्रेवी रखूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी बनके एकदम से रेडी हो चुकी है, आलू और लॉन्ग बीन्स की। तो इसको चेक करने का तरीका है, ये देखिए आलू इजीली कट जा रहा है, इसका मतलब सब्जी बन चुकी है। और अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, देखिए कितनी बढ़िया सब्जी बनी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम धनिया से गार्निश करते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू और बरबट्टी की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इसको चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए हर वीडियो की जानकारी आसानी से आपको मिल सके। बरबट्टी आलू की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Thank you.